बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम रेसिपी बनाने लगे हैं वो है स्ट्रॉबेरी और केले का जूस। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो न्यू व्यूअर्स हमारे दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आइंदा इस तरह की न्यू वीडियो आने वाली आपको बाकायदगी से मिलती रहे। दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर भी करें। कमेंट्स में बताएं हमारा आज का जो स्ट्रॉबेरी और बनाना का जूस आपको कैसा लगा है, और लाइक भी कर दें। आइए चलते हैं अजज़ा की तरफ। जी, अजज़ा में सबसे पहले जो है स्ट्रॉबेरी है, इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। इसके ऊपर से जो इसके पत्ते वगैरह थे वो मैंने उतार लिए हैं। इसको अच्छी से वॉश करके मैंने रख लिया है। साथ इसके जो है वो केले हैं, उन्हें भी मैंने काट के छोटे टुकड़ों में प्लेट के अंदर रख लिए हैं। इसके साथ जो मैंने रखा हुआ है वो है चीनी। चीनी हमारी जो है 3 खाने के चम्मच है, 3 खाने के चम्मच है। उसके साथ जो है मैंने नमक रखा हुआ है, ये काला नमक है। हसबे ज़रूरत जितनी आपको ज़रूरत है आप ले सकते हैं। कुछ लोग कम लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं। कम इसलिए लेते हैं, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर बीपी की, अपने हसबे ज़रूरत जितने आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। गार्निश के लिए मैंने लीमू लिए हैं, सब्ज़ मिर्च ली है, टमाटर लिए हैं। उसके साथ गार्निश के लिए मैंने धनिया पुदीना लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 गिलास बोतल स्प्राइट की, साथ में 1 गिलास ही वाटर है, पानी है इसके अंदर। ये हैं सारे अज्जा जो जूस के अंदर डालेंगे। चलाएं अब चलते हैं, इसको जूस को बनाते हैं। जी चलिए रेडी करते हैं आज का स्ट्रॉबेरी और बनाना का जूस। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्लग को लगा लेते हैं, ब्लेंडर का ढक्कन उतारते हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं हम स्ट्रॉबेरी को मैंने फ्रीज़र में लगा लिया था, इसलिए हमें आइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक मेरी स्ट्रॉबेरी ब्लेंडर के अंदर जा रही है, प्लीज़ नए आने वाले हमारे जो व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल के बटन को प्रेस करें और हमें कमेंट्स में लाजमी बताया करें हमारी जो आपकी आज की रेसिपी है आपको कैसी लगी है। जी स्ट्रॉबेरी डाल चुकी है, अब डालते हैं बनाना, केला, जी केला भी हमारा डाल चुका है। इसके अंदर डालते हैं जो हमने चीनी ली थी, 4 बड़े खाने के चम्मच चीनी थी। ये भी आप हंसते ज़रूर, इसको जितनी ज़रूरत है। कुछ लोगों को शुगर होती है, प्लीज़ काइंडली वो चीनी मत लें। साथ में पुदीने और धनिया को फ्लेवर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। हल्का सा नमक लेंगे, काला नमक जो मैंने बोला था, थोड़ा सा डाल देते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे वाटर। पहले इसे शेक कर लेते हैं बोतल जो है, इसके बाद डालेंगे हम। जी ऊपर रखते हैं इसको, देखो ब्लेंडर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डालते हैं इसके अंदर जो हमने बोतल रखी हुई थी 1 गिलास के करीब, वो डालते हैं हम बोतल।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لیجیے ہماری بوتل بھی ایڈ ہو چکی ہے، دیکھیں بوتل ڈالنے کے ساتھ ہی بوتل نے اپنی جو ہے وہ جاگ بنا دی ہے اس کے اندر، اب ڈالتے ہیں اسے بھی ایک مرتبہ گرم کرنے پہ، دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیارا اور خوبصورت سی ہمارا جوس ریڈی ہو چکا ہے، اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، جی اب ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ بڑا اچھا سا پلپ بن گیا اس کا، ماشاء اللہ دیکھیں کلر بھی بڑا پیارا اور بڑا اچھا بنا، ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے کرتے ہیں ہم سائڈ پہ، اب اوپر گارنش کے لیے، اور جو میں نے سجایا ہوا تھا یہ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس کا پھول سا، جو اس کو جس کے ساتھ ہم ڈسپلے کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہمارا خوبصورت سا اسٹرابری کیلا شیک جوس ہمارا ریڈی ہے، خود بھی پئیں مہمانوں کو بھی دیں، اسی طرح ہی خوبصورت سا بنا کے سجا کے اچھا سا سرو کر کے دیں تاکہ پینے والے کو بھی اچھا لگے مزہ بھی آئے، آج کی یہی تھی ہماری ریسیپی، آپ کو کیسی لگی ہیں ہمیں کمنٹس میں بتائیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آئندہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو اس طرح اچھی اچھی باقاعدگی سے ملتی رہے، اوکے جی اللہ حافظ.